ओके तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम लोग देखेंगे गेट मैथमेटिक्स 2020 का सोल्यूशन। सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में एक इटरेटिव स्कीम है। इस टाइप के ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसका सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूं। अगर इस टाइप का कुछ रिकर्सिव दिखे ना, आप क्या कर लेना, लिमिट एक्स है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एल मान लेना और एल मान के सोल्व कर लेना। ठीक, बहुत इजिली हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई भी ज्यादा इसमें हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आप क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया। कंसीडर द इटरेटिव स्कीम दिस विद द इनिशियल पॉइंट दिस एंड देन पूछ रहा है इस सीक्वेंस के बारे में कि कन्वर्ज करेगा तो किस वैल्यू के लिए करेगा। सिंपली करते हैं आप, मैंने क्या बोला था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल एज्यूम कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, तो एज्यूम करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में फिट कर दीजिए। सो बाई वन हो जाएगा आपका एल इक्वल टू एल बाई टू प्लस थ्री बाई एल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल बाई टू इक्वल टू थ्री बाई एल। ओके, दैट इज एल स्क्वायर बराबर सिक्स, और ऐसे कर सकते हैं एल बराबर प्लस माइनस रूट सिक्स। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स नॉट क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ। ठीक है, तो एक बार अगर आप देखना चाहे तो मैं दिखा दे रहा हूं। एक्स वन क्या होगा, एक्स जीरो बाई टू प्लस थ्री बाई एक्स जीरो। ओके, और देखिए एक्स जीरो पॉजिटिव है तो एक्स जीरो बाई टू भी पॉजिटिव होगा प्लस थ्री बाई एक्स नॉट भी पॉजिटिव होगा, तो दो पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव होगा, तो ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स ए भी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली एक्स टू क्या होगा, ए हो जाएगा एक्स वन बाई टू प्लस थ्री बाई एक्स वन। एक्स वन भी पॉजिटिव है, एक्स टू भी पॉजिटिव है, सो ए पूरा सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। ओके, तो इसी तरह हम कैलकुलेशन करते आएंगे तो एक्स एन क्या होगा, एक्स एन भी इसी टाइप से होगा और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या दिख गया कि ये जो एक्स एन है सीक्वेंस है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है। तो पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है तो कन्वर्ज करेगा तो किसी निगेटिव को तो नहीं करेगा। अतः यहां से हमारे पास क्या आ रहा था, एक प्लस रूट सिक्स एक माइनस रूट सिक्स। सो माइनस रूट सिक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस रूट सिक्स। ओके, तो हमारे पास आ गया एल इजिकल टू प्लस रूट सिक्स। अच्छा, सेकेंड थिंग है इसमें कुछ कंडीशन दिया है, एक्स नॉट ग्रेटर देन वन, एक्स नॉट ग्रेट लेस देन वन लेस देन थ्री एंड सम कंडीशन दिया हुआ। तो एक चीज देखिए, अगर एक कुछ एक्स इतना आ जाता कि रूट सिक्स टाइम एक्स नॉट, ओके, या समथिंग आ जाता कि प्लस एक्स नॉट, तो इसका मतलब होता है कि ये जो कन्वर्ज कर रहा है इस इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है। बट हमने किया, हमारा तो कहीं इस एक्स नॉट का काम ही नहीं पड़ा, तो काम ही नहीं पड़ा मतलब ये पूरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब आप एक्स नॉट कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बोला फर्स्ट कन्वर्स ओनली इफ एक्स नॉट ग्रेटर देन वन, क्यों, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वन ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्स करेगा, हमारा तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, फर्स्ट गया। सिमिलरली सेकंड वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड वन क्या कह रहा है, कन्वर्स फॉर एनी एक्स नॉट, बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो सभी एक्स नॉट के लिए हो रहा है ना, ट्रू। लास्ट वन कह रहा डज नॉट कन्वर्स फॉर एनी एक्स नॉट, नहीं फॉर ऑल के लिए कर रहा, डज नॉट का कोई मीनिंग नहीं है, तो इस तरह होगा। ठीक है, थैंक यू।